We are happy to inform you that very soon our esteemed guests are arriving. They have actually arrived. So our very important guests today are our Honorable Governor, Shri Bhagat Singh Koshyari. We will be joined online, as I had said before, by our Honorable Minister for Communication, Debu Singh Chauhan, but unfortunately he is not here with us. And we will be also having the gracious presence of the Chief Postmaster General, Sri H.C. Agarwal. Before they arrive on the dais, they will be visiting Lokmanya Bal Tilak's room. This is one room which is a very historic place in our university. That is where Bal Gangadhar Tilak had studied. It was a study room. So it is also has a lot of sacredness associated with it. So they will be visiting that room. And once they arrive here, I would request all of you to please stand up. And to remain standing, because we will be having the lighting of the lamp followed by the Rashtra Geet. So I would also request that till the governor takes his seat, please do not sit down. अभी हमारे अतिथि प्रमुख अतिथि डायस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज खड़े हो जाइए. आज के चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री देव सिंह चौहान और श्री चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरीश अग्रवाल सर, आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं. अभी मैं माननीय राज्यपाल और इतर डिग्निटीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीप प्रज्वलन का करने के लिए सबसे अनुरोध है. हमारे बीच सुश्री मधुमिता दास पोस्टमास्टर जनरल पूना क्षेत्र, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है.
ऑनरेबल गवर्नर, आपका स्वागत है। मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, सर अभी हम राष्ट्रगान करेंगे, तो आप प्लीज सब खड़े हो जाइए। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारा आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं अभी हमारे विद्यापीठ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रसाद दोषी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत भाषण दें। नमस्कार, नमस्कार सभापति भेष्टभो नमः। आज के इस शुभ अवसर पर इस मंच को विराजमान करने वाले हमारे प्रमुख अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, तथा इस कार्यक्रम में आभासी माध्यम से हमारे साथ उपस्थित है आज के समारोह के विशेष सम्मानित अतिथि श्री देवूसिंह चौहान, जो केंद्रीय राज्य संचार मंत्री है, तथा मंच पे विराजमान चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री हरीश जी अग्रवाल, हमारे विद्यापीठ के अध्यक्ष डॉक्टर जामखेड़कर जी, तथा हमारे कुलगुरु महोदय प्रोफेसर प्रमोद जी पांडे, श्रोतृगण में इस कार्यक्रम के साक्षी होने जो मेहमान आए हैं उनमें सभी मान्यवर, हमारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के सम्माननीय कुलगुरु करमलकर जी, इस विद्यापीठ के भूतपूर्व कुलपति तथा पुणे पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री मधुमिता दास जी, और सारे मेरे सहकारी जो यहाँ साक्षात उपस्थित है और आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर डेक्कन कॉलेज के प्रति अपना स्नेह प्रकट करने वाले सभी भाइयों और बहनों, डेक्कन कॉलेज की ओर से सभी मान्यवरों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज से 200 वर्ष पूर्व इसी दिन भारतीय शिक्षा क्षेत्र के इतिहास की एक भाग्यकारक घटना घटी हुई थी। वह घटना थी डेक्कन कॉलेज की स्थापना। उस समय के गवर्नर माउंट स्टोर्ड एल्फिंस्टन, उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला को परावर्तित करके संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की। कई साल बाद जमशेद जी जिजी भाई, उनके द्वारा प्राप्त बड़ी धनराशि से इसी ही वास्तु में डेक्कन कॉलेज शुरू हुआ। तब से इस संस्था को डेक्कन कॉलेज के नाम से पूरा विश्व पहचानता है। आज हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता आंदोलन में असंतोष के जनक रहे बाल गंगाधर तिलक इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र थे। अनिष्ट रूढ़ियां तथा परंपराओं का विरोध कर सामाजिक सुधारों के सुधार जो है उनको गति प्रदान करने वाले गोपाल गणेश आगरकर जी, जस्टिस रानडे जी, साथ ही चीन में जाकर
बड़ी स्वास्थ्य थे ना स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस भी डेक्कन कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। 1929 में प्राचीन संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और कोश विज्ञान, इन विभागों में इस संस्था को विशेष रूप से पहचाना जाता है। भारत में भाषा विज्ञान और पुरातत्व शास्त्र इन दोनों शाखाओं की विद्या शाखाओं के गंगोत्री के रूप में डेक्कन कॉलेज की पहचान पूरी जगत जानता है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शब्दकोश प्रकल्प शुरू करने का श्रेय डेक्कन कॉलेज संस्था को ही है, ये पूरे जना विद्वान मंडली जानती है। डॉक्टर एस एम कतरे, डॉक्टर सांकलिया, डॉक्टर इरावती कतरे तथा डॉक्टर घाटगे आदि महानुभावों ने अद्वितीय योगदान से इस संस्था की पहचान विश्व स्तर पर एक अनुसंधान संस्था के रूप में पहुंचाई है। संक्षेप में इस संस्था का इतिहास कहना ये बड़ी मुश्किल की ही बात होगी। शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय कार्य का गौरव करने हेतु भारत सरकार की ओर से इस संस्था के नाम से डाक टिकट का प्रकाशन हो रहा है, ये हमारे आनंद को द्विगुणित करने वाली बात है। अतः केंद्रीय तथा राज्य दूरसंचार मंत्री, साथ ही महाराष्ट्र और पुणे डाक विभाग के सभी अधिकारी, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। संस्था का द्विशताब्दी वर्ष मनाते हुए पिछले पूर्ण वर्ष में अनेक शैक्षिक उपक्रमों का आयोजन किया था, जैसे कि ऑनलाइन अभ्यासक्रम कार्यशाला, मासिक विशेष व्याख्यानमाला और में ग्रंथों का प्रकाशन। इन आयोजनों में भारत के साथ विदेश से भी बड़ी मात्रा से छात्र विद्वान मंडली यह आज संपन्न हो रहा है और डेक्कन कॉलेज कल से नवरात्रों के मुहूर्त पर तीसरी शती में पदार्पण करता है। आज इस संस्था के द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित है, यह हमारे सौभाग्य का क्षण है। आप महाराष्ट्र राज्य के सितंबर 2019 से माननीय राज्यपाल पद भूषित कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद आपने पढ़ाई, पत्रकारिता, कथा लेखन आदि में एक सफल करियर किया। आपातकाल के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे। राजनीति में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के विधायक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य रहते हुए राजनीति में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए उत्तराखंड में विविध स्कूलों की स्थापना आपके पुरस्कार से हो चुकी है, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर इत्यादि। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान तेहरी बांध के विस्थापित लोगों के पुनर्वसन का आपने गंभीर प्रयास भी किया था। आप भारतीयता के तथा भारतीय भाषा के पक्षकार हैं। आज हमारे अनुरोध का स्वीकार करते हुए समारोह में प्रमुख अतिथि के नाते आप कॉलेज में साक्षात उपस्थित हैं, यह हमारे सौभाग्य का क्षण हम मानते हैं। भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के सांसद श्री देवू सिंह चौहान आज हमारे समारोह में सम्मिलित है अतिथि रूप में, सम्मानित अतिथि के रूप में। कई कारणवश साक्षात नहीं आए चौहान जी यहाँ, फिर भी आभासी माध्यम से वो हमारे बीच उपस्थित है, उनके प्रति भी मैं अपना स्वागत शब्द प्रदान करता हूँ। अपनी विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से इस शाखा में डिप्लोमा पूरा किया। भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में कई वर्षों तक सेवारत थे। शासकीय सेवा में इस्तीफा देकर आप समाज सेवा में जुटे। वर्ष 2007 से 2012 तक माठर क्षेत्र से विधायक का चुनाव आप जीत गए। वर्ष 2014 और 2019 में आप खेड़ा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी चुने गए। जुलाई 2021 से आप भारत सरकार के संचार मंत्री बने हैं।
डेक्कन कॉलेज के सम्मान में आज प्रकाशित हुआ डाक टिकट आपके सहृदयता का तथा डेक्कन कॉलेज के प्रति आपके स्नेह का प्रमाण है, ऐसा हम मानते हैं। टिकट विमोचन के इस स्वर्णीय अवसर पर आज मंच पर विराजमान है श्री हरीश जी अग्रवाल। आप महाराष्ट्र प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। आपके प्रति मैं हृदयता से स्वागत शब्द प्रदान करता हूँ। इस समारोह में मंच पर हमारे विश्वविद्यालय के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद जामखेड़कर, जो पुरातत्व के ज्येष्ठ संशोधक हैं, उपस्थित हैं। साथ ही डेक्कन कॉलेज के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद पांडेय, जो भाषा शास्त्र के अधिकारी संशोधक है, आप भी मंच में उपस्थित हैं और अपने उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभायमान करते हैं। श्रोतृगण में विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर एवं कर्मचारी, छात्र, भूतपूर्व कर्मचारी सभी उपस्थित हैं तथा आभासी माध्यम से डेक्कन कॉलेज के हितैषी प्रेमीजन बड़ी संख्या में हमें उपस्थित हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा संस्था के द्विशताब्दी का ऐतिहासिक पर्व मनाया जा रहा है और हम सब इसमें साक्षी बन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की ही बात है। मैं पुनश्च संस्था की ओर से आप सबके प्रति स्वागत शब्द बहाल करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके स्वागत भाषण के लिए। अभी हम इस अवसर पर हमारे जो अतिथि हैं ऑनरेबल गवर्नर श्री कोश्यारी जी सर का फेलिसिटेशन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं हमारे जो चांसलर हैं डॉक्टर जानखेड़कर सर, उनको अनुरोध करती हूँ कि वो सर का सम्मान करें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन श्री देव सिंह चौहान सर, वो हमारे यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है लेकिन उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनको सम्मान करेंगे। इनके लिए मैं हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर पांडे सर और वहाँ से उनका फेलिसिटेशन करने वाले हैं श्री अनुसुईया प्रसाद, जो डायरेक्टर है पोस्टल सर्विसेज साउथ गुजरात रीजन वडोदरा में, वो वहाँ पर उनका सम्मान करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकेंगे कि उनका सम्मान। अभी हम हमारे साथ हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं और इसके लिए मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर पांडे जी को अनुरोध करती हूँ कि वे सर का सम्मान करें। अभी मैं हमारे कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद पांडे से अपना भाषण देने का अनुरोध करती हूँ सर।
माननीय और परम आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को प्रणाम। श्री चौहान मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस और श्री अग्रवाल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तथा हमारे प्रिय चांसलर श्री जाम खेड़के जी को मेरा प्रणाम और हमारे प्रो वाइस चांसलर श्री प्रसाद जी जोशी को स्नेह अभिवादन। मुझे पता है कि हमारे चांसलर साहब भारतीय भाषाओं के प्रेमी हैं। अर्ली जनरेशन थोड़ा इंग्लिश वगैरह ज़्यादा बोलती थी, उसी समय का मैं हूँ, लेकिन जी सर, लेकिन मुझे खुशी होगी क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है तो मैं हिंदी में बोलूँगा। डेक्कन कॉलेज आज जो संस्था है, एक संस्कृत विद्यालय से लेके डेक्कन कॉलेज, फिर डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये कंटिन्यूस इसका 1821 से ये इसकी यात्रा रही है। ये यात्रा इतनी बहुत स्मूथ तो नहीं थी, लेकिन इसमें ऐसी अड़चनें भी नहीं आईं कि ये बंद हो जाए। तो 200 साल जो हमारे हुए हैं, आज पूरे हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है हमारा, राजवाड़े, इंटेलेक्चुअल्स, राजनीतिज्ञ, फिलोसोफर्स, पूना के जितने सोशल वर्कर्स, और इन सब का स्नेह और एक्टिव सपोर्ट है जिसके कारण से डेक्कन कॉलेज आज भी आपके सामने खड़ा है और प्रगति कर रहा है। तो इस कॉलेज के लिए आज भारत सरकार की तरफ से जो पोस्टेज स्टैम्प रिलीज हो रहा है और हमारे श्री आदरणीय श्री राज्यपाल सर, गवर्नर सर इसको रिलीज कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। और श्री चौहान जी के, देव सिंह चौहान जी के भी अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने समय निकाल के हमें ऑनलाइन इनकरेजमेंट दी है इसको रिलीज करके, और तथा श्री अग्रवाल को कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ आए। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि श्री राज्यपाल सर और मिनिस्टर सर, पोस्ट मास्टर जनरल सब ने हमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है और हमारा मॉरल स्ट्रेंथ बढ़ाया है। हम महाराष्ट्र शासन के आभारी हैं कि हमारे यहाँ जितने भी जो भी कर्मचारी हैं सबकी सैलरीज फुली सपोर्टेड हैं। थोड़ी सी समस्या हमें है मेंटेनेंस की, इतना बड़ा 115 एकड़ की ज़मीन, पुरानी संस्थाएं और अत्यंत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स और उनका कीप, इस सब के लिए हमें अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तीन विभाग हैं और तीनों की यूनिक स्टेटस है इस देश में। आर्कियोलॉजी की शुरुआत यहीं से हुई, इंडियन आर्कियोलॉजी के पिता श्री एस डी संकलिया ने अपना करियर यहीं शुरू किया और एशिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ है, और साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करते हुए जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एनालिसिस की हैं ये विश्व में दूसरा डिपार्टमेंट है। लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट ने भारतवर्ष के जितने भाषा विज्ञान के डिपार्टमेंट्स थे सबके स्थापना में मदद की, यहाँ तक कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की भी स्थापना यहीं के सपोर्ट से हुई। तो लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष में लिंग्विस्टिक्स के डेवलपमेंट प्रोग्रेस में रहा है। संस्कृत डिक्शनरी जो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पे है, विश्व की दूसरी डिक्शनरी है जो ऐतिहासिक सिद्धांतों पे है, 35 वॉल्यूम्स पिछले 45-50 सालों में पब्लिश हुए हैं और सब सिर्फ एक अक्षर अ पे हैं। आप सोच सकते हैं
कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें कितने लोग बीसियों लोग इन्वॉल्व हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्क्रिप्टोरियम है, लाइब्रेरी है। तो हमारी संपदा है कि पुराने 400 साल पहले की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, और जब से मोहनजोदारो के समय की सभ्यता से लेकर आज तक की सभ्यता का की वैल्यूबल इनवैल्यूबल आर्टिकल्स हैं, यही हमारी निधि है, संपत्ति है। हम चाहते हैं कि इनको विश्व के सामने उजागर किया जाए और हम अपनी भारत की निधि और संपदा को पूर्ण रूप से दिखा सकें। हम चाहते हैं कि जिन मूल्यों पर डेक्कन कॉलेज आज भी खड़ा है, उन मूल्यों की पूर्ण हम सम्मान करते हैं और उन्हीं मूल्यों पे हम तीसरी सदी में प्रवेश करना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ नए विषयों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नए अध्ययन के तरीकों को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे कि वे हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल डेक्कन कॉलेज के वैल्यूज पर आधारित हैं। तो एक बार फिर मैं अपने माननीय परम आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने समय बहुमूल्य समय निकाल कर हमें कृतज्ञ किया, और श्री देवू सिंह चौहान जी के प्रति भी हमारी कृतज्ञता है। पोस्टेज डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट जनरल को भी हम प्रणाम करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं अपने चांसलर साहब को, जिन्होंने हमेशा हमें हर स्थिति में हमें सपोर्ट किया है। सो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर हमें इनकरेजमेंट दिया है और सपोर्ट दिया है। इससे पता चलता है कि डेक्कन कॉलेज का भविष्य सुरक्षित है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। अब हम आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम का जो भाग है, यहाँ पर आज हम एक डाक टिकट का रिलीज होने वाला है। तो जो डक्कन भूमि है वहाँ पर बसा हुआ ये जो हमारा डेक्कन कॉलेज जो अपनी बाइसेंटेनरी मना रहा है, हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं हमारे माननीय राज्यपाल सर को निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा जो टिकट है उसका अनवेलिंग होना चाहिए और आप आगे आके ब्लो अप है स्टैम्प का। बहुत धन्यवाद सर। अब हम पोस्ट मास्टर जनरल श्री अग्रवाल से अनुरोध करते हैं कि डाक टिकट जारी करने के लिए माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करें डाक टिकट रिलीज करने के लिए। Thank you.
बहुत आनंद हुआ कि ये डाक टिकट रिलीज हुआ है इस बाइसेंटेनरी के अवसर पर। आज जैसे हमने बताया कि हमारे जो स्टेट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस हमारे साथ इधर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका ऑनलाइन स्पीच हमको सुनने के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो मैं श्री देव सिंह चौहान जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना भाषण इस अवसर पर दें। उनका भाषण अभी प्रसारण करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कॉलेज के 20 शताब्दी महोत्सव पर डाक टिकट रिलीज करने के इस गौरव में प्रसंग में हम सबको और गौरव प्रदान करने के लिए उपस्थित ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, ऑनरेबल प्रोफेसर प्रसाद जी, ऑनरेबल प्रोफेसर पांडे जी, चीफ जनरल पोस्ट मास्टर हरीश जी, ऊना के पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री सुश्रीदास जी, डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द डायस, ऑफ द डायस, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेक्कन कॉलेज के प्रति गौरव और आदर सम्मान करते हुए उपस्थित रहे सब भाइयों को, सर्वप्रथम मैं मराठा सरदारों की भूमि ऊना की धरती को नमन कर मैं तुलजा भवानी माता की भूमि को नमस्कार कर मैं प्रणाम करता हूँ सरस्वती धाम डेक्कन कॉलेज की भूमि। मैं आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि हम सब जानते डेक्कन कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है। डेक्कन कॉलेज के हम इतिहास और कॉलेज का ये याद हुए अपने आप को गौरवान्वित और सम्माननीय समझते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो डेक्कन कॉलेज का योगदान रहा है समाज में, मैं 2 अक्टूबर को पुणे में था, मैंने वहां देखा कि वहां समाज की जो भारत में सम्मान है वैसी संस्थाओं का अगर कोई स्थान है तो वो पुणे में। वहां मैं किसी कंपनी का नाम दूंगा तो किसी को अन्याय होगा, लेकिन वहां किलोस्कर की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बजाज की बात करें, सॉफ्टवेयर कंपनियों की बात करें, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे की बात करें, हर संस्था की बात करें, तो इस संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेक्कन कॉलेज का योगदान रहा। और हम सब जानते हैं कि पुणे की धरती पर यरवड़ा जेल में पूज्य बापू ने देश हित में बहुत बड़े निर्णय भी उसी स्थान पे किए। डेक्कन कॉलेज ने जो उस समय आवश्यकता थी, उस समय देश की आजादी के लड़ने वाले मार्गदर्शक हो गए, सेनानी हो गए, समाज सुधारक होंगे, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसे महानुभव के जीवन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा उसकी ललकार करने वाले बाल गंधर्व तिलक को, और सेवा क्षेत्र में जिसका आज भी बड़ा नाम है डॉक्टर भारतनाथ कोटनीस हो, इन सब का जीवन में अगर किसी एक संस्था का सबसे बड़ा योगदान है तो वो डेक्कन कॉलेज। हम सब जानते हैं कि ऐसी संस्थाओं ने भारतवर्ष का सम्मान बढ़ाया है। भारत माँ भारती पहले भी विश्व गुरु थी, आज भी है
और आगे भी रहेंगी, लेकिन उसकी भारत की भूमि पर ऐसी संस्थाओं ने भारत का गौरव दिया बढ़ाया। आज हम जब डाक टिकट रिलीज करने जा रहे हैं तो हम अपने आप इस संस्था का सम्मान करते हुए खुद का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा भाव हम सबको अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते कि इसी वर्ष में देश के श्रद्धेय बड़ा प्रधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव का भी प्रारंभ किया है और हम सब अपने देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व को समझे। एक जिम्मेदार सिटीजन कैसा होता है, उस सिटीजन की हैसियत से हम ऐसी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में देश हित के कार्य करें तो हमें इस देश के लिए कुछ करने का और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा का संतोष भी मिलेगा। हम सब जानते हैं कि आज वो समय नहीं रहा जब देश के लिए मशीन गन लेकर सरहद पर लड़ने की आवश्यकता है, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। अगर देश के लिए जीना है तो अपना उत्तरदायित्व समझना है, तो ऐसी ही संस्थाओं ने हमें मौका दिया है और मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्थाओं के कारण ही आज हमारा जो सम्मान देश विदेश में, डेक्कन कॉलेज 20 शताब्दी महोत्सव, आप समझ सकते हैं कि उस संस्था को किसी अंग्रेज ने स्थापित किया, किसी अंग्रेज ने स्थापित किया लेकिन उसको पाला पोसा किसी मराठाओं ने, मराठा महानुभाव ने उसको पाला पोसा और आज आगे बढ़ाया पारसी ने। तो एक तरीके से एकता की मिसाल आज देश में है तो वो डेक्कन कॉलेज है। और ऐसे मौके पे हमारे विभाग की ओर से कि 20 शताब्दी महोत्सव पर जब डाक टिकट रिलीज किया जा रहा है तब मैं खुद गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे विभाग को ऐसे काम करने के लिए अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आने वाले समय में डॉक्टर विनीत पांडे और जो हमारे सीजीएम वहां हरीश जी, ऐसे ही कोई और टिकट और जो देश हित में काम करने लायक है वो करते रहेंगे। मेरी ओर से आज के मौके पे उपस्थित आप सबको और मेरे विभाग के सभी कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री देव सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खेद है कि आप हमारे साथ आज इस शुभ अवसर पर भाग नहीं ले पाए। मैं अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी के हाथों मराठी भाषा बोली सर्वेक्षण परियोजना की पहली स्क्रीनिंग के लिए के अवसर पर आपको अनुरोध करती हूँ रिलीज करने के लिए। मराठी भाषेतील भौगोलिक विविधतेचा अभ्यास करणारी सर्वेक्षणे यापूर्वीही झाली आहे, मात्र सदर प्रकल्पात एकसमान पद्धतीचा अवलंब करून आतापर्यंत राज्यातील 29 जिल्ह्यातील साधारण 2408 लोकांकडून ध्वनिमुद्रित केलेली भाषिक सामग्री नकाशांच्या स्वरूपात या स्वतंत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे। sdml.ac.in हा या प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचा दुवा आहे। हे संकेतस्थळ मराठी व इंग्लिश अशा दोन्ही भाषांमधून उपलब्ध असणार आहे। भारतीय भाषांच्या बाबतीत हा असा पहिलाच प्रकल्प आहे। या संकेतस्थळावर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये एकाच संकल्पनेसाठी असलेले शब्द वैविध्य नकाशाच्या स्वरूपात, त्याचप्रमाणे पारंपरिक गोष्टींच्या राज्यातील निरनिराळ्या गावांमध्ये मिळवलेल्या ध्वनिफितीही ऐकायला मिळतात। महाराष्ट्राच्या उत्तरेला असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील भोजापूर गावातील ही ससा कासवाची गोष्ट ऐका। एक कासव राहते, ससा राहते, दोघं मित्र राहतात। आणि आता याच गोष्टीची महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माटणे गावात ध्वनिमुद्रित केलेली ही आवृत्ती ऐका।
एक असं वाटता आणि एक असं वाटता दोघे जण एक दुसरे आम्ही शर्यत लावूया म्हणून मराठीच्या बोलीचा उपयोग केवळ भाषा अभ्यासासाठीच नाही तर मराठीचे भाषिक धोरण आखण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील भाषा शिक्षणाचे नियोजन करण्यासाठी त्याचप्रमाणे भाषा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही होऊ शकतो. माननीय राजपालजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो मराठी लैंग्वेज डायलेक्ट सर्वे प्रोजेक्ट का आपने पहले स्क्रीनिंग किया. धन्यवाद सर. अभी हमारा जो प्रोग्राम है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है कि ये बाइसेंटेनरी जो हमारे जो सेलिब्रेशंस जैसे हम कर रहे हैं तो इस अवसर पर हमारे जो स्टाफ है स्टूडेंट्स है इन सबको बताया गया था कि कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ पुस्तकें निकालना चाहिए, मोनोग्राफ्स निकलने चाहिए, सोविनियर निकलने चाहिए, जिससे कि कुछ आगे जाके अब हमारे लाइब्रेरियों में रहेगा और एक बहुत अच्छा एविडेंस भी रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा था. तो इस अवसर पर हम पहले हमारा जो सोविनियर है वो और कैलेंडर रिलीज करने वाले हैं. इसलिए मैं हमारे राज्यपाल अनुरोध करती हूँ. बाइसेंटेनरी में मोनोग्राफ सीरीज का भी ये हमारा डेकन कॉलेज का कैलेंडर है. बाइसेंटेनरी के प्रोग्राम में मोनोग्राफ्स निकालने का एक प्रयोजन भी किया था. काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूशंस किए हैं और मैं अभी एक के बाद एक टाइटल्स पढ़ती हूँ. पहले है साउंड्स एंड देयर पैटर्न इन इंडिक लैंग्वेजेस. डॉक्टर प्रमोद पांडे ऑथर हैं. कैजुअलिटी इन अर्ली नाव्य एंड न्याय by Dr. Toshi Vada. Semiotics and Asymmetry in Bangla Morphology by Dr. Probal Das Gupta and Dr. Nivedita Mitra. Asa Sakarlela Oxford-cha Budhkosh, Dr. Madhavi Kolhatkar. Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs, Professor S. Rajendran. Shiva Sutra Dr. Kanchan Mande, Munda Linguistics, Dr. Greg Anderson, Textual History Tool and Computational Phylogenetics for Sanskrit, with special reference to classical Indian texts, Drs. Diptesh Kanojia, Malhar Kulkarni, Ivan Karsh, Pushpak Bhattacharya. Apprehending Language Anchoring Linguistics, Dr. Avinash Pandey. Descriptive Catalogue of Marathi Manuscript in the Deccan College Postgraduate and Research Institute, Dr. Tripti More. Apsara Devata Shastriya Ani Samajit Parikoshan, Dr. Manjusha Gokhale. Progress of Archaeobotanical Research at the Deccan College, Dr. Satish Naik.
डेक्कन कॉलेज मधली प्रशी व्यवस्थापक डॉक्टर मंजिरी कुलकर्णी आणि श्री सीताराम मानवळ आणि अथर्व विभाष डॉक्टर श्रीधर लोखरे हे असे मोनोग्राफ रिलीज करतो मी त्याच्यासाठी मी तुमच्या माननीय राजपाल सरांना अनुरोध करती हूँ इसका प्रकाशन करें धन्यवाद माननीय राजपाल सर यहाँ पर मोनोग्राफ्स ही नहीं हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली है जो एक घंटे की शायद होगी एक या दो घंटे की मुझे पता नहीं है कितना टाइम है लेकिन हम यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते हैं हम एक झलक दिखाएंगे जो हमारे डेक्कन कॉलेज की आपको कुछ झलकियाँ उसमें दिखाई देंगी तो मैं हमारे माननीय राजपाल जी को अनुरोध करती हूँ कि वो भी उसकी थोड़ी झलक देखें Deccan College has not only stood the test of time, but has been true to its purpose of preserving the cultural heritage of India. The Deccan College lived by the ancient Sanskrit verse Samshrutena Gamemahi, which means uniting with knowledge. This college is both a teaching and research college. As one of the rare colleges where running projects is one of our main activities. The college Viva Glory and hence Worth came to be known as the Deccan College Postgraduate and Research Institute. So this department is having science supporting laboratories. More recently, we find that the studies of dialects and the studies of endangered languages has been a very important research program of this department. His dictionary was based on historical principles and of encyclopedic nature. This very institute is now on the threshold of completing its 199th year and becoming a 2-century-old establishment. Sir, hum और भी कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं छात्राएं हैं वो भी कुछ पीछे नहीं हैं ये तो हमारे सब स्टाफ का और रिसर्च स्टाफ है टीचिंग स्टाफ है उनका कंट्रीब्यूशन है लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने भी अभी एक एनुअल मैगजीन निकाला है जो उनका इनिशिएटिव है और ये उसका इसकी झलक है मैं अभी हमारे चांसलर डॉक्टर एपी जामकेटकर से कुछ अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें इस अवसर पर माननीय होशियार जी उपस्थित आमचे कुलगुरु उपकुलगुरु
पोस्टमास्टर जनरल अगरवाल जी आणि मित्रांनो, आज मला मोठा आनंद झाला आहे तो याच्यासाठी की गेली 2 वर्ष आमचे व्हाईस चॅन्सलर्स त्याचबरोबर जोशी जे प्रो व्हाईस चॅन्सलर म्हणून काम करत होते आणि त्यानंतर आमचे प्रमोद कुमारजी पांडे हे सगळे आम्ही अशा रीतीने प्रयत्न करत होतो की हा समारंभ जो आहे तो चांगल्या रीतीने व्हावा. कोविडमुळे आम्ही अगोदर ठरवलं होतं की 3 मोठे इंटरनॅशनल सेमिनार्स करू, परंतु लक्षात आल्यानंतर सगळ्या आमच्या स्टाफने असं ठरवलं की आपण निरनिराळ्या प्रकारचे सेमिनार्स जे आहेत ते व्हर्च्युअल आभासी माध्यमातून करू आणि त्यामध्ये या तिन्ही डिपार्टमेंट्सची जी आमचे अध्यापक आहेत, शोधक छात्र आहेत आणि इतर संशोधक आहेत यांनी मोठा हातभार लावला आणि तो कार्यक्रम आम्ही उत्तम रीतीने पार पाडला. या सगळ्याचा आज शिखराची गोष्ट अशी की स्वतः राज्यपालजी आमच्या कुलगुरूंनी आणि इतर अध्यापक वृंदांनी विनंती केल्यानंतर मोठ्या आनंदाने ते म्हणाले की मी इथे सहभागी होतो आणि आज ते आले आणि खरोखरच आपल्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर जो हर्ष दिसतोय त्याचं मोठं कारण आपले आदरणीय राज्यपाल आहेत. या निमित्ताने माझ्या मनात ज्या काही गोष्टी येतात त्या मी आपल्या समोर आणि त्याचबरोबर राज्यपाल त्याचबरोबर आपले कम्युनिकेशन्सचे मिनिस्टर आहेत सेंटरमधले त्यांना काही आणि त्यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्य आणखी केंद्र सरकारला सुद्धा काही विनंती करायची आहे. मला आमची काही स्वप्न आहे. आम्ही उत्तम रीतीने पहिल्यांदा सुरुवात केली एक वैदिक पाठशाळा म्हणून, त्यानंतर आम्ही कॉलेज म्हणून आमचं योगदान दिलं. राष्ट्रातलं हे 3रं कॉलेज आपापल्या परीने मोठमोठ्या प्रकारच्या देशभक्तांना आणि इतर अनेक निराळ्या क्षेत्रातल्या मोठ्या व्यक्तींना या ठिकाणी शिक्षण घेण्याचा संधी मिळाली आणि त्यांनी त्याचं सार्थक करून दाखवलं. गेल्या 82 वर्षात डेक्कन कॉलेजने एक आपली वेगळी प्रतिमा निर्माण केली आणि ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मग भाषाशास्त्र असो, पुरातत्व असो, अँथ्रोपॉलॉजी आणि सोशॉलॉजी असो, मला मुद्दाम आवर्जून उल्लेख करावा असं वाटतो. आणि त्याचबरोबर मराठा हिस्ट्री हे आमची मुख्य विद्यास्थानं होती. त्याच्यावर आम्ही वेगळ्या रीतीने माझ्या अगोदरच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर योगदान दिलेलं आहे. आमच्या पुढे काही स्वप्न आहेत. ही एक आदर्श अशा प्रकारची संस्था आहे की जिच्यातून सांस्कृतिक वारशाचं व्यवस्थित रीतीने अध्ययन अध्यापन केलं जाऊ शकतं, संशोधन केलं जाऊ शकतं. त्याच्यातून या ठिकाणी म्युझिओलॉजी किंवा इत्यादी प्रकारचे कॉन्झर्वेशन इत्यादी प्रकारचे कोर्सेस आत्ता सांगितलं त्याप्रमाणे निरनिराळ्या प्रकारच्या बोली भाषांचं सर्वेक्षण जी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे आमची संस्कृतचं जे आम्ही डिक्शनरी तयार करतो हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्सवर ती जगातली सगळ्यात मोठी गोष्ट होईल. या सगळ्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आणखी केंद्र शासन हे आम्हाला मदत करतच आहे आपल्या परीने, पण या 200 वर्षाच्या निमित्ताने याच्यातून आम्ही नॅशनल लेवलची इन्स्टिट्यूट म्हणून मान्यता प्राप्त झालो किंवा या ठिकाणी वेगवेगळ्या रूपाने ही जी आमची विद्याक्षेत्र आहेत त्याच्यामध्ये आणखी प्रगती कशी करता येईल आणि भारताच्या कीर्ती वैभवात भर कशी घालता येईल याच्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील आणि त्याच्यामध्ये सगळे माझे जे सहकारी आहेत ते सामील असतील यात काही शंका नाही अशी मी असं मी आश्वासन कोश्यारीजी तसंच मंत्री महोदयांना देऊ इच्छितो. आणि आपण आज खरोखर सगळे इथे उपस्थित झालात आणि आमच्या आनंदात सहभागी झालात त्यात तो द्विगुणित केला त्याबद्दल आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर तुमच्या भाषणासाठी. मैं अभी माननीय राज्यपाल से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें अपना अभिभाषण दें.
हमें बहुत आनंद हुआ है सर आज आप हमारे यहाँ आए हैं। डक्कन कॉलेज पुणे के बाई सेंटेनरी यानी द्वितीय सती सेंटेनरी शताब्दी मनाई जाने के शुभ अवसर पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री देव सिंह जी इस कॉलेज एंड नाउ इट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर ए पी जे आंबेडकर जी, हमारे मध्य में चीफ मास्टर पोस्ट मास्टर जनरल श्री एस सी अग्रवाल जी, इस विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद पांडे जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रसाद जोशी जी, संचालन कर रही हमारी आरती देश पांडे मुखर्जी। अब यहाँ इतने लोग हैं, सबके नाम ले नहीं जा सकते, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख नागरिकगण, इस कॉलेज के सभी प्राध्यापकगण, छात्रगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, किसी संस्था के लिए 200 साल पूरे करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और डक्कन कॉलेज भारत के उन प्रारंभिक माने अंग्रेजी शासनकाल, नॉट आदिकाल से मेरा लंबा कोई तक्षशिला और नालंदा से तुलना नहीं कर रहा, तो अंग्रेजी शासनकाल में जो बड़े विख्यात ऐसे स्वनाम धन्य दो तीन कॉलेज शुरू हुआ से 200 साल पहले, उनमें से एक डक्कन कॉलेज भी है। और पहले मिस्टर अल्फेंस्टन, पता नहीं वो मेरे जैसे गवर्नर होता तो कहता हिंदी में बोलो या मराठी में बोलो, पर वो चूंकि अंग्रेज थे और उन्होंने स्वाभाविक ही अंग्रेजी ही शुरू की होगी। और 6 अक्टूबर 1821 को इस कॉलेज को उन्होंने संबोधित, हिंदू कॉलेज तो हिंदू कॉलेज के नाम से शुरू किया। अब आजकल लोग हिंदू कहने में थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन उसने इसको 200 साल पहले अंग्रेज होकर के भी इसको हिंदू कॉलेज के नाम से इसकी शुरुआत की। और फिर इसकी चलती रही, बाद में अनेक चीज़ें होती रही, कभी बंद हुआ कभी खुला, लेकिन अल्टीमेटली बाद में ये कभी पुणे कॉलेज और भी नाम रहे, पर 1864 में इसको डक्कन कॉलेज के नाम से शुरू किया गया। मैं पहले सोचता था कि डक्कन कॉलेज क्यों रखा गया, आखिर ये तो मिडिल में है महाराष्ट्र, तो दक्षिण में तो कर्नाटका केरला अपना आंध्रा और तमिलनाडु है। तो मुझे बताया गया कि ये जो डक्कन कॉलेज इसका नाम है, अब रखा तो उस समय इन्होंने, चूंकि ये विश्वविद्यालय या कॉलेज जो शुरू हुआ वो पेशवाओं ने या और सब जो उस समय के हमारे यहाँ के पंडित जाने माने अध्ययनकर्ता अध्येता लोग थे, जो शिक्षा प्रिय थे, विद्या प्रेमी लोग थे, उन्होंने इसको दक्षिणा जो मिलती थी उससे शुरू करके दक्षिणा कॉलेज हो गया और उसका नाम बदलते बदलते डक्कन कॉलेज हो गया। तो एक प्रकार से
अब ये देखिए कि कैसे सामान्य दक्षिणा से भी कॉलेज शुरू हो सकता है और 200 साल तक चल सकता है। तो आप जब कभी अपने ब्राह्मण को दक्षिणा देते हो गए तो उसका पुण्य पता नहीं कितने हजार साल तक आपको मिलेगा। तो ये एक माने एक बड़ी एक प्रकार से सीखने योग्य माने वन हैव टू लर्न फ्रॉम इट। आप तो जितने लोग हो, मुझे लगता कि मैं कोई इतने मंच पर बैठे बुजुर्गों को नहीं समझा रहा हूँ, परंतु जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, कि आखिर दक्षिणा से शुरू हुआ और डकन कॉलेज में परिणित हो गया और इस डकन कॉलेज ने बहुत बड़ा काम किया। माने शिक्षा के क्षेत्र में जो इसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो बड़ा असीमर अविस्मरणीय है। मैं सोचता हूँ कि अगर इसकी गहराई से जो अध्ययन करेंगे, विशेष करके जो छात्र यहाँ हैं या अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वो अगर शिक्षा के विकास में इस कॉलेज के बारे में भी अगर विचार करेंगे तो उनको लगे
उसी से अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग एक बहुत ही अच्छा काम इस दृष्टि कर सकेंगे, योगदान कर सकेंगे, न केवल भारत माता की बल्कि विश्व माता की भी हम सेवा कर सकेंगे, क्योंकि भारत का ज्ञान ये विश्व को शांति की शिक्षा देता है, ये विश्व को अस्तित्व की शिक्षा देता है। ये माइट इज राइट नहीं कहता है, जो ताकतवर है उसी की दुनिया नहीं कहता है, ये कहता है सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामया। ये भारत की शिक्षा है, ये भारत के संस्कार हैं। मुझे लगता है हम उन संस्कारों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों में बढ़ाना है, देश में बढ़ाना है, दुनिया में बढ़ाना है। इस ऐसे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अब तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी घोषित कर दिया गया है, अच्छा है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग उस दिशा में प्रयास करेंगे, मेरी शुभकामना है। भारत के हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपने इस प्रकार का सुंदर आज के इस पर कार्यक्रम किया है, आपको फिर से मैं बधाई देता हूं। आपने मराठी भाषा से सर्वेक्षण और जो सविनय निकाला है उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय राज्यपाल जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप हमारे पास शब्द नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वेरी पावरफुल स्पीच के लिए। अभी मैं हमारे प्रोफेसर सोनल कुलकर्णी जोशी को धन्यवाद प्रस्ताव देने का अनुरोध करती हूँ। आदरणीय प्रमुख अतिथि, माननीय कुलपति, व्यासपीठ पर विराजमान और यहाँ विराजमान अन्य हमारे मेहमान, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज डेक्कन कॉलेज के द्विशताब्दी समारोह की समाप्ति के विशेष अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय कुलपति, इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक हम पहुँच गए हैं। संयोजकों की ओर से समारोह में शामिल हर व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए एक प्रस्ताव के साथ यहां आपके सामने पेश हूं। ये मौका पाकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, आज आप इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। डेक्कन कॉलेज के नाम से डाक टिकट आज आप ही के हाथों से जारी हुआ है। आपने हमारी संस्था का इतिहास उजागर किया और आगे जाकर उन्नति करने के लिए आपने बहुमूल्य सुझाव हमें प्रदान किए। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी, ऑनलाइन उनकी ऑनलाइन उपस्थिति ने आज इस समारोह में चार चांद लगा दिए। महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री हरीश अग्रवाल और पुणे क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री जी मधुमिता दास, आप आज इस समारोह में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। हमारी विनती को स्वीकार करते हुए संस्था के पूर्व कुलपति आदरणीय डॉक्टर जी बी देगलूरकर सर और पूर्व संचालक पद्मश्री डॉक्टर के पदैया आज विशेष रूप से उपस्थित है, आपका बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय श्री करमलकर, डेक्कन कॉलेज के मैनेजमेंट काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के माननीय सदस्य, आपकी उपस्थिति के से समारोह में रौनक आ गई है, आपका बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हमारे कुछ शुभचिंतक आए हुए हैं, देश विदेश में स्थित और कई शुभचिंतक हैं जो चाहते हुए भी पैंडमिक की वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं रह सके। वे फेसबुक और यूट्यूब द्वारा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे सारे शुभचिंतकों का हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विशेष जिक्र करना है हमारे पत्रकार मित्रों का,
द्विशताब्दी वर्ष के दौरान वे हमारे साथ बने रहे। डेक्कन कॉलेज ने जो कार्यक्रम आयोजित किए उनको प्रसिद्धि दी, लेकिन उनका साथ केवल द्विशताब्दी तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कई सालों से इन्हीं पत्रकार मित्रों ने संशोधन क्षेत्र में जो डेक्कन कॉलेज की उपलब्धियां हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। इस विशेष अवसर पर हम उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे शुक्रिया देना है हमारे पुलिस सहकारियों का भी, जिन्होंने गए कुछ दिनों से डेक्कन कॉलेज कैंपस को सुरक्षित बनाए रखा है। धन्यवाद देना है जो आज हमारा डाक टिकट रिलीज हुआ है उसके बनने में श्री अजित परतक और श्री संकेत कुलकर्णी का सहभाग रहा है, उनको धन्यवाद। और डाकघर के कुछ कर्मियों ने इसमें योगदान दिया है, उनके में विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगी, श्री सावेश्वरकर, श्री प्रशांत कुमार दिल्ली से, श्री मधुकर गवारी मुंबई से, श्री सुखदेव मोरे, श्री एरंडे और श्री लागवणकर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। संस्था के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, अध्यापक गण, छात्र, आप ही की निष्ठा और प्रतिबद्धता की बदौलत हमारा डेक्कन कॉलेज आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचा है। आप सभी को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। आज हमारी संस्था अगले मुकाम की ओर अग्रसर हो रही है। मैं मानती हूं कि यह आप सभी के स्नेह, सद्भावना और सहायता के बिना सफल नहीं होगा। चलिए अच्छे काम को जारी रखें। समश्रुते न गमे मही। धन्यवाद। धन्यवाद सोनल मैडम। अभी हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को आया है। राष्ट्रगान के पहले मैं एक सूचना करना चाहती हूँ। सगळ्यांना विनंती आहे कि राष्ट्रगान केव्हा सुरू होईल तेव्हा सगळ्यांनी उभं राहायचं आणि त्याच्यानंतर राज्यपाल इकडनं लायब्ररीत जाणार आहेत आणि मग तिथनं मग ते बाहेर दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये जाणार आहेत, तर तोपर्यंत सगळ्यांनी इथे उपस्थित राहा, कुठेही बाहेर इकडे तिकडे जाऊ नका, ही एक नम्र विनंती आहे। आता आपण राष्ट्रगानसाठी भरव्य जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंज हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए, आज जो स्टैंप रिलीज हुआ है उसके साथ में जो एफडीसी है वो आपके ना राइट साइड में जो है विक्री के लिए उपलब्ध है, जिसको लेना है कृपया लाभ उठाए। धन्यवाद।
हेलो अटेंशन प्लीज दो मी अनाउंस केलं की प्रोग्राम संपलेला आहे पण आता ह्याच्यानंतर आमचे स्टुडंट्स एक प्रोग्राम करतात आणि त्याच्यासाठी त्यांची खूप इच्छा आहे की तुम्ही सगळ्यांनी थांबायचं इथे तर प्लीज थांबा आणि थोड्या वेळात आपण सुरू करू जसे राज्यपाल इकडनं जातील तेव्हा हॅलो
हेलो 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 चेक
हेलो पांच ते दहा मिनिटात आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहे, तरी सर्वांनी स्थानापन्न व्हावे ही विनंती. We request everyone to take up their seats within, we'll start the program within 5 to 10 minutes. Our Vice Chancellor is arriving, so we'll start by 5 minutes. I request everyone to take up their seats. Yes? चालू बिल्कुल चालू में कोई देखा नहीं, हमें अभी इसकी अभी तक चलते ही स्क्रीन वो हो गया ब्लैंक. स्विच कर रहे हो गए. हेलो, हाँ उनको बोलिए कि यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाया दिख रहा है कुछ वीडियो गूगल मीट में. हाँ ठीक है अभी दिखा ओके हाँ आ गया ओके. क्या हुआ? नहीं 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 वो मुझे नहीं पता. चलना है यहाँ क्या बैठ के कर रहा है? कर आएगा उन्होंने करा हुआ लिंक तभी वो हुआ है दरवाजे इसको तो अगर हम अपने फेसबुक पेज पर देखेंगे वहाँ दिक्कत हो रही है यहाँ पे भी होगा ना. गुड इवनिंग एवरीवन. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them with us today. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our Vice Chancellor, faculty members, non-teaching staffs, students, and my dear friends.
आजचा दिवस आपल्या विद्यापीठासाठी आणि एकूणच भारतीय ज्ञान परंपरेच्या इतिहासासाठी अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून ह्या विद्यापीठाशी निगडीत प्रत्येक व्यक्तीसाठी आनंदाचा उत्सवच आहे. म्हणूनच या उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आपल्या विद्यापीठाकडून विविध मनोरंजनपर कलागुणदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी इथे उपस्थित असलेल्या आपण सर्वांनी उत्सवाचा आनंद घ्यावा आणि कलाकारांना प्रोत्साहन द्यावे. बिफोर गेटिंग इन टू द इव्हेंट, लेट अस इंट्रोड्यूस आर सेल्फ. माय सेल्फ लिसा अँड माय सेल्फ चेतना. सो विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ द टाइम, लेट अस बिगिन द प्रोग्राम. ओवर टू चेतना. येस. सो फर्स्ट परफॉर्मन्स इज सर्व कला गुणांची अधिष्ठात्री देवता असणाऱ्या प्रथम पूज्य श्री गणेशाच्या वंदनेद्वारे या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. या गणेश वंदनाच्या नृत्य आविष्कारासाठी मी मंचावर यश आणि समीक्षा यांना आमंत्रित करते. टाळ्यांच्या गजरात आपण यश आणि समीक्षाचे Sir, we invite you to the stage, please. Let's all give a round of applause for our Vice Chancellor, please. A little more louder. Namaskar. It is really a great surprise for me also that I am relevant here amongst you. So it's one of the poems that I attempted to write in Hindi. I write both in Hindi and English sometimes. It takes about a minute, so let me read.
The title of the poem is Antarman. It's after retirement. लगता है अब रुक ही जाऊं जीवन के बिखरे पन्नों को जोड़ूं और किताब बनाऊं। लगता है अब रुक ही जाऊं जीवन के बिखरे पन्नों को जोड़ूं और किताब बनाऊं। रुकने की भी गति होती है, चुप रहकर भी कहना होता, बाहर की दुनिया से हटकर अंदर एक धरातल होता। अंतर्मन की राहों पर सब उलट पुलट हो जाता है, जो खोया है वो था ही नहीं, जो पाया है अपना ही था। अंतर्मन की राहों पर सब उलट पुलट हो जाता है, जो खोया है वो था ही नहीं, जो पाया है अपना ही था। रूप गंध ध्वनि और छुअन का यहाँ कहीं कोई जोड़ न होता, उस पे बहते झोंकों से तह पर तह है खुलता जाता। लिखने के इस संयोजन में अनुभव से उभरे सिलवट को सीधा समतल कैसे कर दूं, कथनी को संयम में रखकर पाया है सब कैसे धर दूं। थैंक यू। Thank you very much, sir. You touched our hearts with your words. धन्यवाद सर, आपके कविता ने हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। So Chetna, I saw a handsome guy with a guitar here. So why is he here? Wait, Lisa. असं म्हटलं जातं संगीताला भाषेचं आणि शब्दाचं बंधन नसतं, महत्वाचा असतो तो म्हणजे भाव। अशीच एक सुंदर गीत रचना आता आपल्यापुढे येत आहे। हे गाणं उर्दू, कश्मीरियन आणि पर्शियन या भाषेतील तीन प्रतिभावान कवितांच्या कवितांचा एक सुंदर मिलाफ आहे। हे गाणं सादर करण्यासाठी मी फैजानला या मंचावर आमंत्रित करते। सो लेट्स ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फैजान। Hi everyone, I am here to perform I won't say it's a song, it's basically a compilation of three different parts of poems. There were three different poems in three different languages. So the concept behind choosing this compilation is that I just feel that they represent the concept of poetry and the concept of music in itself. Like if we see, like Shakespeare has said, what's there in a name? But I believe when it comes to music, what's there in a language, right? So this song is basically in the three parts. One part is Kashmiri by a very famous Kashmiri poet, Mahjur. And the Urdu part is by Mirza Ghalib. Every one of you might have heard the name, of course. And the third part is by Amir Khusro. That's a Persian part. Beyond carrying the message of representing the language, it also has a very deep message of poetry. Like in the poetry, it doesn't really matter who the beloved is or whom you are referring to. All matters are the emotions. Like if you see in these three parts, for one poet, the Mahbub or the beloved is like the homeland. For someone, it's like the earthly beloved, the normal one. And for the Amir Khusro, it's the God. But for all the three, like all it matters when it comes to poetry, it's just the pure emotions. And this is what this compilation really brings on.
and this is what I feel. So here it is. Na 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 tamanna chaani deedaru chumoyumbal zale bambaru vachis yaamat lajis vachane gajis chaane kale bambaru karan mahajur chus nas gat vanan yaras pato akkat karan mahajur chu us nas gat karan yaras pato akkat ye dil devan ko se pat bes sutna rale bambaro ye dil devan ko se pat bes sutna rale bambaro kahan hai khan ka darwaza galib aur kahan vaiz kahan hai khan ka darwaza galib aur kahan vaiz par itna jaante hai kal ho jata tha ki hum nikle हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर राम का खुसरा खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो मुहम्मद शम महफिल बूद शब जाने की मन बूदम मुहम्मद शम महफिल बूद शब जाने की मन बूदम नमीदानम चे मंजिल भूत शब जाने की मन भूतम तमन्ना जान दीदारु चुमो यंबर जले बंबरो हजारों ख्वाहिशे ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले थैंक यू फैजान आई फील लॉस्ट इन दिस ट्यून डिप म्यूजिक इजंट इट चेतना यस खरच एक मंत्रमुग्ध करणारं गाणं होतं So Lisa, what is the next performance? Hold on your breath, Chetna. We have a graceful dance by our young, beautiful girls, Pranjwal and Saurya. The stage is yours. में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला
आज संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग चुराई घर बार मेरा मखना में मखना तू ही है संसार मेरा मखना में मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना चुराई घर बार मेरा मखना चुराई घर बार मेरा मखना में मखना तू ही है संसार मेरा मखना में मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना चुराई घर बार मेरा मखना टाळ्यांचा आवाज कमी पडता नाही प्लीज आई हैव सीन सो मच ग्रेस थँक यू स्वीटहार्ट्स वन मोर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम प्लीज थँक यू सो लीझा आय एम गोइंग नो नो वेट वेट डोंट स्टेप ओवर कम विथ मी इनटू इमर्स योरसेल्फ इनटू मेस्मराइजिंग म्युझिक बाय स्वयं दत्ता ऑल योर आईज ऑन टू द प्रोजेक्टर प्लीज ऑन द स्क्रीन्स प्लीज अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगे धड़कन नई जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे मिले ये लम्हा कहा था मेरा तब है सामने किसे छू लो जरा मर जाऊ या जी लू जरा खुशियाँ चूम लू या रो लो जरा मर जाऊं यारी सजरा अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही वो महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसी रहम इस लम्हे में ये लम्हा कहा था मेरा अब है सामने इसे छू लो जरा मर जाऊ या जी लू जरा खुशियाँ चूम लू या रो लू जरा मर जाऊ या जी Thank you.
दूर से टूटे वतन जैसी थी ये संतगानी मेरी, आज हो सब हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन पीछे अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने किसे छूलो जरा, मर जाऊ या जीलो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा, मर जाऊ या जीलो Thank you, Swayam Gupta. We wish you were here performing us live. So moving on to the next performance. Lisa, what is the next performance? We do have a special dance performance. It's an Irani dance style. So we welcome Neda. Just give a round of applause for Neda, please. Thank you. Good evening, honorable professor, respected staff, dear students and friends. I am Neda from Iran. I'm going to performing an Iranian dance with Iranian music, which is about the Iranian or out of Iran. And the meaning exact is we think, we love and care about Iran, although we are out of Iran. And the thing, and I'm very lucky, I have this great chance to perform this dance. This day is 6th October in the Kent College, in front of all you lovely people. And on behalf of the all ladies who cannot dance in public, unfortunately, but I will do that. Thank you so much. یک وجب از کبیر شد به همه دنیا نمیدم، یک قطره آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم، این همه آسمون خراب ارزونی دهکده ها، یه خونه کاگلی شد به قصر شاه ها نمیدم، ایران ایران از دل و از جا میخونم این شعر و برات، ایران 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 از دل و از جا میخونم این شعر و برات، ایران ایران من نیست جز خاک ایران، هیچ جا وطن نیست، هر جا که باشم هر جا که هستم، من خاک ایران رو میپرستم، ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات، ایران 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 ایران
دلو از جا میخونم این شعر و برات ایران ایران که زندگی کنم ایران حس وطن تو جونمه ایران چی کار کنم ایرونیم عشق وطن تو خونمه دوستم استخونمه دوستم استخونمه ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر و برات ایران 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 از دل و از جان میخونم این شعر و برات ایران ایران जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे थँक यू नेहरा दीदी यू टू कस्ट टू इराण सो व्हाट्स द नेक्स्ट परफॉर्मन्स चेतना सो डू यू नो अबाउट द शास्त्रीय संगीत नो ओके भारतीय शास्त्रीय संगीत विविध रागांवर आधारित आहे हे राग म्हणजे भारतीय शास्त्रीय संगीताला अलंकृत करणारे मौल्यवान अलंकारच आहे त्यातही यमुन राग हा अतिशय सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे खास करून भारतीय चित्रपट सृष्टीमध्ये अनेक संगीतकारांनी यमन रागावर आधारित गीत रचना केलेली आहे त्यावरच आधारित कर्णमधुर पेशकश आपल्या समोर सादर करीत आहे आपल्या विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी श्रद्धा जोशी ऑल युअर आईज ऑन द स्क्रीन प्लीज मेरा मन खुशी चाहता है
Thank you. Chetna, I hear that people saying there's one people singer among us. So I guess he's here today. Yes. So, आपल्या विद्यापीठाच्या ग्रंथालयामधील मन मिळाऊ आणि लाडके व्यक्तिमत्व ज्यांचं गाणं नेहमीच वन्स मोर असतं असे श्री राजू सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करते. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया श्री राजू सर यांचं. आते जाते खूबसूरत चलेगा. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते. दोस्तों कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है राह में एक रेशमी रुमाल मिला है जो गिराया था किसी ने जान कर जिसका हो ले जाए वो पहचान कर वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर निशानी मान कर हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं चंद याद रह जाते. तकदीर मुझ पे मेहरबान है जिस शौक की ये दास्तान है उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो दूर बैठी ये राजो जान ले मेरी आवाज को पहचान ले
प्रकाश फिर तलाप जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कही मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते धन्यवाद राजू सर थैंक यू तुमच्या प्रतिसादाबद्दल अगदी का तकदीर मुझ पे मेहरबान यारो जिस शौक की ये दास्तान है उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो दूर बैठी ये राजू जान ले मेरी आवाज को पहचान ले आकाश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कही मुलाकात हो मुलाकात हो लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते धन्यवाद राजू सर तुमच्या गाण्याने नक्की सगळ्यांना फ्रेश बनवलं असेल So the next performance, Chetna, are you ready? Yes. So audience, are you ready for some rock performance? A little more louder, please. Are you ready for some rock performance? We invite Yash and Samiksha on the stage, please. सजाऊं मेहंदी हाथों में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी खुड़का जुत्ती मड़कण आली पहरू छिड़ेगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुठी गले में हार डालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन
से कोका टिक्का लाल रंग का लेना देना तागड़ी ते मुका मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हलूंगी बाबन गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी बाबन गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी खूब सुंदर यश समीक्षा थैंक यू स्वीट हार्ट्स सो द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय स्वयं दीप्ता एंड श्रद्धा दोषी आर बैक अगेन टू मेल्ट आवर हार्ट्स विद देयर सोलफुल म्यूजिक ऑल योर आईज ऑन द स्क्रीन प्लीज अगेन La la la, hey hey hey, you are mine. La 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 la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? Be your bully, be your bully. Not bad. अब ये सुनो दिल की जो बातें हैं बातें जो दिल की हैं लुक तो ना खोलू मैं खोलू ना लुक तो बोले प्रिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हले हले क्यों ये डोले जानू ना प्यास की तेरी समीर बरसों भी तरसाऊंगा थोड़ा वो खुराई थोड़ा सा थराई गुर्जी यहाँ पे प्रीत लुटाती फिर छम 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 बरसी वो तेरी ही तरह प्रिया Can we just give a round for them?
was seeing a replica of Sonu Nigam and Shreya Ghoshal, but it's our students. So moving on to the next performance, we have a very beautiful doll among us who's going to sing a song for us. Let's invite Rajvi Kerekar on the stage, please. Just give her a round of applause. Hello, my name is Rajvi. And today I'm singing a song. Can I start? तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ये जो दुनिया है ये बना है कांटों का तू फुलवारी है Rajvi. So Shedna, it's been song for a while. Do you have any dance performance? Yes, very special dance performance. पुणे शहराची ओळख ही तशी पूर्वापार चालत आली आहे. याला खरी ओळख झाली ती थोरल्या पेशव्यांच्या कारकिर्दीत. यास बाजीराव पेशव्यांच्या जीवनावरील चित्रपट बाजीराव मस्तानी यातील सुंदर अशी लावणी फितुरी आता आपल्या समोर सादर करण्यासाठी येत आहे प्रांजल. लेट्स ऑल गिव अ अप्लॉज फॉर प्रांजल प्लीज. प्लीज टाळ्यांचा आवाज कमी नाही झाला पाहिजे. जानी सोन्याची खानी जशी फुलदानी दिसती आमज लाग दिसती आमज लाग हिच रूपाच लागे मज वेड पडे मज कोड प्रीतीची जोड जीवाशी भिडे हो हा
सा नजराना जानू पलकों से मैं को छलकाना मैं हूँ फितूरी दोनों आंखों से बांधूंगी ताना बाना तेरा दिल ये भरेगा जुर्माना मैं हूँ फितूरी तू मैं चाहती राहत थोड़ी सी पल दो पल सोहबत थोड़ी सी फिसला दू नीयत थोड़ी सी नजराना जानू पलकों से मैं को छलकाना मैं हूँ फितूरी मैं इश्क सा नजराना जानू पलकों से मैं को छलकाना मैं हूँ फितूरी इस नजर से बना दिल बहकने वाला ओ मेरे इरादे है आधे से वादे है मेरा हर रंग निराला हाँ जो भी मिला दे नजर इस नजर से बना दिल बहकने वाला तुम्हें आदत रंगत थोड़ी सी चमका दो किस्मत थोड़ी सी फिसला दो नीयत थोड़ी सी जानू पलकों से मैं को छलकाना मैं हूँ फितूरी दोनों आंखों से बांधूंगी ताना बाना तेरा दिल ये भरेगा जुर्माना मैं हूँ फितूरी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे थँक यू प्रांजल दॅट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल परफॉर्मन्स आय माय सेल्फ वॉन्ट टू डान्स विथ हर मी टू सो यानंतर आपल्या आपल्यासाठी एक कविता सादर करणारे प्राजक्ताताईला मी मंचावर आमंत्रित करते नमस्कार मी सौ प्राजक्ता डिंगणकर एम ए लिंग्विस्टिकची स्टुडंट आहे मी सेकंड इयरला असं म्हणतात की लग्नानंतर एका स्त्रीचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून जातं आणि शिक्षण तर सोडाच बाकी इतर स्वातंत्र्यही तिच्यासाठी राहत नाही पण कुठेतरी तिच्या मनात काय चाललं आहे हे आपल्याला कसं जाणून घेता येईल तर तो भाव मी कागदावर लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे चूक भूल क्षमा असावी कवितेचं नाव आहे तुझे स्वैर जग जुनाटलेल्या विचारांना द्यावी वाटते नवी दिशा उजळवाव्या वाटतात पुन्हा मनातल्या आशा जुनाटलेल्या विचारांना द्यावी वाटते नवी दिशा उजळवाव्या वाटतात पुन्हा मनातल्या आशा धुंदावल्या डोळ्यांनाही आस लागली अशी धुंदावल्या डोळ्यांनाही आस लागली अशी मिटलेली पापणी सांगते कहाणी तुझी कशी थरथरणाऱ्या हातांनाही आवरेना तो मोह मग थरथरणाऱ्या हातांनाही आवरेना तो मोह मग कागदावरती उमटले ते तुझे स्वैर जग कागदावरती उमटले ते तुझे स्वैर जग धन्यवाद धन्यवाद प्राजक्ताताई
So Lisa, what is the next performance? The next performance we have by very own, very beloved faculty, Amrita ma'am. We invite you on the stage, please. Hello. First of all, thank you to all my students because I was a last minute accommodation. So thank you for accommodating me. And I would also like to apologize to them because especially Faizan and Rutuja, they were very pushy. They wanted me to do something with them. But because of the teaching schedule and all, I couldn't get much time to sit with them and do something. But I promise we'll do something with both of you next time. And of course, a last minute push from Dr. Abhijit Dandekar actually forced me to come on the stage. It's because I thought, why not? Today is a very special day for me. Me in the sense, Mane, people who are from Bengal. Today is Mahalaya. People who are from Bengal or associated with Bengal, as I know, are very beloved. Mrs. Pandey, ma'am, here. I think you are brought up in Kharagpur, right? So you know the importance of Mahalaya in our life. Mahalaya is marked as the last day of Pitri Paksh. So tomorrow onwards, Devi Pokkho, that is Matri Paksh, will start. And we celebrate this day. In fact, all these sculptors in Bengal who are making the Durga idol, they will be drawing the eye and putting color today. So it is believed in the Hindu mythology that Goddess Durga was actually created today by Brahma, Vishnu and Maheshwar. So I thought, since it's a special day for me, why not do something? Why not invoke Mother Goddess Durga? And it is also a tradition in Maharashtra to finish everything, to end all programs with the Rag Bhairavi. So I thought I will attempt to sing Bhavani Dayani by Parveen Sultana. It's a very difficult song. I was also part of the stage and this facility, this thing, committee here. So I had been standing here all day. I feel a little tired. I don't know how much breath and energy I have, but I'll attempt, I'll try. Jo bhi bhul truti hoga, uske liye main pehle shama mangti hu. Tanpura, please. Hello. Do you have reverb? Bhavani Dayani Bhavani.
We have, I invite our respected Vice Chancellor and Chancellor Sir to come up on the stage, please, to give the kids a gift. तो पहिल्यांदा मी प्रांजलला मंचावर आमंत्रित करते. प्रांजल, क्लॅप फॉर प्रांजल. नंतर मी शौर्यला मंचावर आमंत्रित करते. क्लॅप फॉर शौर्य. नंतर मी समीक्षाला मंचावर आमंत्रित करते. समीक्षेसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. यश, यशसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. नंतर मी छोटूच्या राजवीला मंचावर आमंत्रित करते. राजवी, राजवीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ओके, राजवी इथे उपस्थित नाहीये. थँक्यू सर.
राजवीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सो आज दिवसभर आपण खूप छान क्षण जगलोय, त्या क्षणांसाठी स्पेशली. क्षणजीवनातले जगून घ्यावे, क्षणजीवनातले जगून घ्यावे, टिपून ठेवावे अंतरामध्ये. कधी सोनेरी कधी रुपेरी, इंद्रधनूच्या रंगांमधले. क्षण आनंदाचे जगून घ्यावे, हळुवार जपावे हृदयामध्ये. Thank you. Yes, Chetna, you are really true. And thank you for this wonderful poetry. So the last up is Board of Thanks. I invite Vinoli. Please come to the stage. Good evening, everyone. Honorable Vice Chancellor, sir, Chancellor, sir, respected faculty members, our most valued invited guest, and my dear friends. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on the historic occasion of bicentenary of our legendary institution. Thanks for coming in spite of the pandemic. My very special thanks to the chief guest, Vice Chancellor, sir, for performing and being with us on this memorable day. I extend my heartfelt thanks to all the artists, Yash, Samiksha, Pranjal, Swarya, Neda, for their dance performances. Amrita ma'am, Raju sir, Faizan, Swayam Dipta, Shraddha Joshi, for mesmerizing us with your songs. Thank you, Lisa and Chetna, for superbly hosting the show. I'm sincerely thankful to Abhijit Dandekar, sir, and Prabho Shirvakar, sir, for their valuable guidance and encouragement in all our efforts. I owe special gratitude to the non-teaching staff and all good hearts who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. Thank you, my friends and seniors, for your cooperation in making this function a great success. Thank you so much, everyone. Have a great night. Shubhratri. The dinner is in the mess. You can all go to the gymkhana. That's it for the day. Thanks. Everyone, please go to mess. There will be a cake cutting and the special dinner is arranged there. So that's all for today. Good night. Let's all meet another year on Deccan College Foundation Day. Good night. Bye. Thank you, everyone.